हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कल से मौसम ख़राब हो गया। रात को बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी और आज सुबह छींटे भी पड़ रहे थे, फिर हवा भी चल रही थी। रात को तो ज़्यादा तेज़ थी हवा, लेकिन अभी हवा बंद हो गई है, तो हल्की हल्की सी चल रही है और बारिश भी नहीं है। अभी तो बारिश ज़्यादा नहीं हुई, तो मैं छत पे आई हूँ। बहुत अच्छा सा मौसम है। बारिश पड़ने से जो पौधों पे, ये पेड़ पौधों पे वो पड़ी हुई थी, डस्ट पड़ी हुई थी, वो सारी साफ़ हो गई है। बारिश ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी अच्छा हो गया, साफ साफ सा लग रहा सारा। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ऐसे मौसम में अंदर बैठ के कपड़े फोल्ड करती हूँ, लेकिन जी आज जल्दी आ गए, फिर से जाना, लेकिन चाय पीने आए हैं और फिर मैंने चाय बना ली। सॉरी, चला गया बाहर, क्योंकि आज धूप नहीं थी तो जल्दी चला गया बाहर। फ्रेंड्स, अभी चलते हैं बच्चों के पास, तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर। तो जी फ्रेंड्स, जो बच्चा खेल रहा है इसका नाम हरनूर है और इन सारे बच्चों से छोटा यही है। इसे अच्छे से खेलने आता नहीं है, लेकिन अभी इसको बारी दे दी है और इसके साथ चीटिंग करते हैं कि इसका जो पीछे वाला जो रखे हुए विकेट्स वो साइड में कर देते हैं फटाफट से, ताकि आउट हो जाए, लेकिन इसको सब पता चल जाता। देखिए, चीटिंग, सॉरी चीटिंग, पीछे कर दो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आउट है। तो सौरिश भी नीचे से आ गया और मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़े सर्दियों वाले कपड़े और पैक कर देती हूँ, तो जो जैकेट्स वगैरह है वो। और सौरिश इधर मैंने रखा हुआ है, ये ब्रीफ केस रखा था, सोचा कुछ कपड़े इसमें डाल देती हूँ। और इसमें से मेरी छोटी सी किट निकली और लेके डांस करता हुआ चला गया बाहर को। और मैं अभी कर लेती हूँ फ्रेंड्स कपड़े फोल्ड ये वाले। मैं जहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और सौरिश दूसरा वाला ब्रीफ केस लेके, देखिए इसके ऊपर झूले ले रहा है और मना करने पे मान भी नहीं रहा। और एक बैग मैंने पहले पैक कर दिया था और एक अभी कर दिया, अलमारी भी एक साफ कर दिया, अब बस थोड़े से ही और रह गए हैं, तो फिर अभी सारे उठा ही देने हैं, एक दो दिन की बात। अभी फिर से थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया। अभी वूलन बेड शीट्स हैं वो उठानी है सारी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाया और ये काम कर दिया, क्योंकि ऐसे मौसम में अच्छा लगता अंदर बैठ के कुछ ना कुछ काम करते रहो, क्योंकि बाहर तो हवा चल रही थी, बाहर ज़्यादा नहीं मन कर रहा था जाने का। तो फ्रेंड्स, मैंने आज फिर से एक ब्रीफ केस भर के कपड़े सारे रख दिए मोटे वाले। अभी और भी है रखने वाले, लेकिन काफ़ी हद तक मैं इन्हें समेट चुकी हूँ अभी, और मैं फटाफट से अभी ये सब रख लेती हूँ, वरना सौरिश ब्रीफ केस को तोड़ देगा, वो उस पर झूले लिए जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना, अपनी फैमिली और बच्चों का ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।